Audio Jungle. आज हम सब लोगों ने मिलके ये तय किया है आप सबकी सेहत के लिए, हम सबके, हमारी दिल्ली के लिए, देश के लिए ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें सस्पेंड होंगी और क्या क्या चीज़ें लागू रहेंगी मैं आपको बता देता हूं। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। DTC की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाजार, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली बाजार ये सब बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं। मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे, बाकी बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं। इंटरस्टेट बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के हों वो सारे बंद किए जा रहे हैं और सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें। पूरी दुनिया से जो हमें सीखने को मिला वो यही कि जितना आप कम से कम बाहर निकलेंगे, जितना आप कम से कम दुनिया के संपर्क में आएंगे उतना हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप खुद अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं, तो आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो, बहुत ज़रूरी हो बाहर जाना, मान लीजिए दूध लेके आना है, सब्जी लेके आना है, तभी बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप बाहर ना निकलें। इन रेस्ट्रिक्शन से, लॉकडाउन से जनता के हित के लिए निम्न सर्विसेज को इससे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। एक तो जो जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले जितने ऑफिसेज हैं और जो मैजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ हैं उन सारे ऑफिसेज को इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, वो जारी रहेंगे। पुलिस का कामकाज जारी रहेगा, सभी अस्पताल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जारी रहेगा, फायर डिपार्टमेंट जारी रहेगा, प्रिजन डिपार्टमेंट चलता रहेगा, राशन की दुकानें जारी रहेंगी, चलती रहेंगी, बिजली के दफ्तर जारी रहेंगे, पानी की सप्लाई से संबंधित सभी विभाग जारी रहेंगे, म्यूनिसिपल सर्विसेज जारी रहेंगी जैसे साफ सफाई। दिल्ली विधानसभा का कल बजट सत्र है, उसके लिए जो भी कामकाज है वो जारी रहेगा। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जो सरकार का है वो जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जारी रहेंगे। बैंकों के कैशर और टेलर ताकि लोग अपने पैसे निकलवा सकें वो जारी रहेंगे। टेलीकॉम, इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी। जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे खाना, दवाई, इनकी ई कॉमर्स से संबंधित ये सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। फूड आइटम्स, खाने पीने की फूड आइटम्स और ग्रॉसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, बेकरी, मीट, फिश इससे संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। मिल्क प्लांट्स जारी रहेंगे। जो जनरल किराने की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो रेस्टोरेंट से केवल टेकअवे और होम डिलीवरी अलाउ किया जाएगा। केमिस्ट्स और फार्मासिस्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, LPG और ऑयल एजेंसीज खुले रहेंगे। एनिमल फॉडर खुले रहेंगी इनकी दुकानें। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई इनसे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स
इनसे संबंधित जो भी है इन सर्विसेज से वो जारी रहेंगे, और समय समय पे अगर सरकार को लगता है कि कोई एसेंशियल सर्विस है जो रह गई और उसको जारी रखना जरूरी है तो वो समय समय पे नोटिफाई करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे मिलता है और उससे पूछा जाता है और वो कहता है कि मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसकी बात मान ली जाएगी, उसे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति सड़क पे मिलता है और वो कहता है कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, दूध खरीदने जा रहा हूँ, मैं अपने इस एसेंशियल सर्विस के काम के लिए जा रहा हूँ, उसकी बात मान ली जाएगी। तो जनता के ऊपर भरोसा करके, जो जनता अगर इससे रिलेटेड कोई अस्पताल जा रहा है कोई, तो उसकी बात मान ली जाएगी। 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा, और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो बंद रहेंगे, लेकिन उनके जितने एम्प्लॉयज हैं उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। ओडियो जंगल।